अगर आपका सवाल है कि बीएससी बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, यानी कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, आपकी जॉब पोजिशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी के बारे में। बीएससी बायोलॉजी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, ये एक 3 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आप बायोलॉजी में करियर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 12th यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। 12th में आपके पास PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, अधिकतर कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है और कुछ कॉलेजेस में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराया जाता है। एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप कौन से और किस तरीके के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, ये कोर्स 3 साल में कम्प्लीट होता है और इसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो चलिए सेमेस्टर वाइज सिलेबस की बात करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की बात करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 केमिस्ट्री थ्योरी, नंबर 2 लाइट एंड लाइफ थ्योरी, नंबर 3 जनरल इलेक्टिव फर्स्ट थ्योरी, नंबर 4 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, नंबर 5 लाइट एंड लाइफ प्रैक्टिकल, नंबर 6 जनरल इलेक्टिव फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो इसमें 3 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 बायोफिजिक्स थ्योरी, नंबर 2 बायोडिवर्सिटी थ्योरी, नंबर 3 जनरल इलेक्टिव सेकंड थ्योरी। तो ये 3 होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट। नंबर 4 बायोफिजिक्स प्रैक्टिकल, नंबर 5 बायोडिवर्सिटी प्रैक्टिकल, नंबर 6 जनरल इलेक्टिव सेकंड प्रैक्टिकल। तो ये 3 होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। बात करते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि 3rd and 4th semester के सब्जेक्ट के बारे में। बात करते हैं 3rd की। नंबर 1 प्रोटीन एंड एंजाइम्स थ्योरी, नंबर 2 सेल बायोलॉजी थ्योरी, नंबर 3 इकोलॉजी थ्योरी, नंबर 4 मेडिकल बॉटनी, नंबर 5 मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, नंबर 6 प्रोटीन एंड एंजाइम्स प्रैक्टिकल, नंबर 7 सेल बायोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 8 इकोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 9 बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये होते हैं 3rd semester के सब्जेक्ट। बात करते हैं 4th semester के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 सिस्टम्स फिजियोलॉजी थ्योरी, नंबर 2 मॉलिकुलर बायोलॉजी थ्योरी, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, ठीक है, नंबर 4 पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट, नंबर 5 रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, नंबर 6 सिस्टम्स फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 7 मॉलिकुलर बायोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 8 मेटाबॉलिज्म एंड इंटीग्रेशन प्रैक्टिकल, नंबर 9 बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो ये होते हैं 4th semester के सब्जेक्ट। तो ये होते हैं 3rd and 4th यानी कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं 3rd ईयर यानी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि 5th and 6th semester के सब्जेक्ट के बारे में। बात करते हैं 5th semester की। नंबर 1 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्योरी, नंबर 2 जेनेटिक्स थ्योरी, नंबर 3 नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी, नंबर 4 एनालिटिकल टेक्निक्स इन प्लांट साइंस थ्योरी, नंबर 5 स्ट्रेस बायोलॉजी थ्योरी, नंबर 6 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रैक्टिकल, नंबर 7 जेनेटिक्स प्रैक्टिकल, नंबर 8 नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, नंबर 9 एनालिटिकल टेक्निक्स इन प्लांट साइंसेस प्रैक्टिकल, नंबर 10 स्ट्रेस बायोलॉजी प्रैक्टिकल। तो ये होते हैं 5th semester के सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं 6th semester के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी थ्योरी, नंबर 2 एंडोक्रिनोलॉजी थ्योरी, नंबर 3 बायोमेटेरियल्स थ्योरी, नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी, नंबर 5 प्लांट बायोकेमिस्ट्री थ्योरी, नंबर 6 एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 7 एंडोक्रिनोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 8 बायोमेटेरियल्स प्रैक्टिकल, नंबर 9 माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल, नंबर 10 प्लांट बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल।
तो ये होते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट। तो ये होते हैं फिफ्थ एंड सिक्स यानी कि थर्ड ईयर के सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं जॉब एरियाज की, यानी कि किन किन एरियाज में आपको जॉब मिल सकता है। इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फूड इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, इन सभी में वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि बीएससी बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स यानी कि जॉब पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक बॉटनिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बात कर लेते हैं हायर स्टडीज़ की, यानी अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बीएससी बायोलॉजी के बाद आप एमएससी बायोलॉजी कर सकते हैं, या फिर एमएससी जूलॉजी कर सकते हैं, या फिर एमएससी बॉटनी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर कोई सवाल है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मोटिवेशन 05 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आप तक हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हर एक वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।